हाँ जी, बहुत सारे कपल ने जिहड़े कंसल्टेशन लैन आते हैं तो जो उन्हां तों पॉइंट्स बारे गल करो तो स्पैसीफिकली जो स्पाउस के पॉइंट्स की गल करिए तो स्पाउस का आंसर यह होंगे जी हजे इंग्लिश करनी है, चाहे उन्हां दी स्किल असैसमेंट साल पहले आई दो साल पहले आई हजे भी उन्हां दा आंसर सेम ही रहिंदा, इंग्लिश करनी है जी, ट्राई करनी है। स्पाउस नूं एक चीज़ लई बहुत क्लीयर होना चाहिए तो सिंपल जिहा उहदा जवाब होना चाहिए कि तुसीं इंग्लिश करनी है कि नहीं करनी, क्योंकि छे ईच दे नाल तुहानूं पंज पॉइंट मिलते। अपने आप नूं तुसीं इस भुलेखे दे विच ना रखो कि जे करांगे आन या ना आन, जे तुहानूं अपने ते भरोसा है, इन्ना कॉन्फिडेंस है कि तुसीं छे ईच लै सकदे हो, यू मस्ट ट्राई द टेस्ट एज सून एज पॉसिबल। जे नहीं करना तो लैट्स मेक इट वेरी क्लीयर कि नहीं करना, ताकि जिहड़ा प्राइमरी एप्लीकेंट है वह थोड़े पांच पॉइंटा के सहारे ना बैठा रहे कि जदों तुसीं इंग्लिश करोगे उदों शायद सानूं पांच पॉइंट मिलन। बहुत कॉमन चीज़ है, हर कंसल्टेशन तकरीबन देखने को मिलती है। लैट्स बी वेरी क्लीयर, या तो इंग्लिश दे लो या ना दे लो, डिपेंड करता कि परमानेंट रेजिडेंसी कितनी जरूरी है थोड़े लिए।